मसाला पाव, उसके लिए मैंने गैस पर पैन रखा है। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने थोड़े से चॉप करके लिए हैं। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से बटर के अंदर भून लेंगे। टमाटर को मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लिया है। इसके अंदर जाएगा अभी 1 छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसके अंदर जाएगा स्वादानुसार नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर घी, बटर या ऑयल से भी कर सकते हो। 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसे अच्छी तरह से पका लूंगी। 1 मिनट हो चुका है, धीमी आंच पर मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। इसे आप स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, आप चाहे तो इसमें स्मैशर की हेल्प से इसे स्मैश कर सकते हो। मैं चम्मच की हेल्प से ही इसे स्मैश कर लूँगी। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पाव भाजी मसाला। 1 टेबल स्पून मैंने पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चाट मसाला या ड्राई मैंगो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह अभी अच्छी तरह से बन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस सब्जी को हम एक डिश में निकालेंगे। 1 टीस्पून बटर डालेंगे। सेम पैन के अंदर 1 टीस्पून बटर डाल के हम पाव को बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाव लिए हैं और इसे हम इसके अंदर इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, आप देख सकते हो। और फिर इसके अंदर हम ये बनाई हुई सब्जी भर देंगे। इस तरीके से ये हमारा मसाला पाव बनकर तैयार है। बहुत ही चटपटा ऐसे ये मसाला पाव बनकर रेडी है। इसे आप जरूर ट्राई करें। अभी हम इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल कर देंगे। यहाँ पर हमारा चीजी मसाला पाव और चटपटा मसाला पाव बनकर तैयार है। इसमें से कोई भी पाव बनाकर आप खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।